हे गाइस, मैं हूं पंकज। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट झारखंड जी के। ये रहेगा वीडियो पार्ट नंबर 1। आगे बढ़ने से पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे पेड कोर्सेज चलते हैं, UPPSC, MPPSC, BPSC और बहुत सारे स्टेट PSC के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए नंबर पर कॉल करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो वो आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, अपना मोबाइल रजिस्टर करना है और सर्च बॉक्स में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप करना है। आप इससे हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लगातार बहुत सारी फ्री PDF शेयर करते रहते हैं, बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज होती हैं, रिसेंट पेपर जो आने वाले होते हैं फ्री में, उनको भी शेयर करते हैं। यह पूरा कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो शुरू करते हैं झारखंड GK का पार्ट 1। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो चीज़ ये लिखा है। सबसे पहले इसको हम समझेंगे एक मैप के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, यह पूरा झारखंड का मैप है, ठीक है, पूरा झारखंड का मैप है। सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि झारखंड का जो आसपास के राज्य हैं कौन सी सीमाएँ टच करती हैं। ईस्ट में वेस्ट बंगाल, ये याद रखना आप, वेस्ट में छत्तीसगढ़, ठीक है, और उत्तर प्रदेश। नॉर्थ में है बिहार, यानी कि उत्तर में। दक्षिण में है उड़ीसा। कभी कभी एक मार्क्स में यह भी क्वेश्चन आता है कि कितने राज्य की सीमाएं झारखंड राज्य से टच करती हैं, छूती हैं। एक है बिहार, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा उत्तर प्रदेश। यानी कि 5 राज्य की सीमाएँ, 5 स्टेट जो हैं वो टच करते हैं झारखंड को। बाकी हम जिला जो है झारखंड का वो देखेंगे, रांची है, दुमका है, देवगढ़ है, गोड्डा है, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम है, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। आगे कितनी साक्षरता दर है, कितनी लिटरेसी है, ये सब हम देखेंगे, और डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व, ये आगे हम देखते रहेंगे। छत्र है, कोडरमा है, पलामू है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या देखना है कि कौन कौन सी राज्य की सीमाएं यहाँ पर से लगती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये कितनी होती हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्य की सीमाएं तो हमने देख ली, कौन सा राज्य ईस्ट में पड़ रहा है झारखंड की वो भी देख लिया, पर एक्चुअल मैप में, इंडिया के मैप में जो झारखंड है वो कहाँ पड़ता है, ईस्टर्न इंडिया में, यानी कि पूर्वी भारत में होता है झारखंड हमारा, ठीक है। जैसा कि हमने अभी देखा, झारखंड के उत्तर में है बिहार, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में है उड़ीसा और पूर्व में है पश्चिम बंगाल। बाकी झारखंड कितने भूभाग में, पूरे इंडिया का जो पूरा भारत का जो भूभाग है, कितने भूभाग में फैला हुआ है राज्य, 79.70 लाख हेक्टेयर के भूभाग में उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। डायरेक्ट एक मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ज़्यादा जो झारखंड के PSC होते हैं फैक्चुअल बहुत ज़्यादा देते हैं, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कितनी ज्योग्राफिकल एरिया में फैला गया है। 79.70 लाख हेक्टेयर में फैला गया है। आप जमशेदपुर, धनबाद, बोकोरो, सिंदरी, देवगुड़, हजारीबाग, ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग विजिट करना आना पसंद करते हैं। बाकी झारखंड जो है 28वां राज्य है पूरे भारत का, जो है संघ का, भारतीय संघ का 28वां राज्य है, और बना किससे है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। कब बना है, 15 नवंबर 2000 को। अभी हाल में ही जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल है, जो कि अभी बाइफरकेट हुआ 2 केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, वैसे ही 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना बिहार पुनर्गठन। जो लोग अभी इंग्लिश में देखना चाहें वो है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बेसिस पर, 15 नवंबर 2000 के बेसिस पर 28वां राज्य बना इंडियन यूनियन का, भारतीय संघ का। ये तो थी कुछ जो बेसिक सी चीज़ें थी, ये हमने डिस्कस कर ली। आगे झारखंड में बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन भी हैं, जिसमें यूरेनियम है, मीका है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है, गोल्ड है, सिल्वर है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या आपको करनी है, पूरे भारत में जितना कोयला है, पूरे भारत में जितना कोयला है उसका 32% कहाँ पर है, झारखंड में। झारखंड में 32% पूरे कोयले का भंडार है। वैसे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो तांबा है यानी कि जो कॉपर है, पूरे भारत का झारखंड में कितना प्रतिशत हिस्सा है, 25% जो तांबे का भंडार सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है,
फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स ऑक्यूपाई मोर देन 29% ऑफ स्टेट, राज्य का जो 29% से भी ज़्यादा हिस्सा है वन और वुडलैंड में से ढका हुआ है या ऑक्यूपाई किया हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। और ये पूरे भारत में हाईएस्ट है, पूरे भारत में क्या है, हाईएस्ट है, 29% से अधिक पर कब्जा करते हैं, जो भारत में सबसे अधिक है, वन ऑफ द हाईएस्ट है हम कह सकते हैं, भारत में झारखंड में है, जो कि फॉरेस्ट और वुडलैंड से कवर है। ओके, जैसा कि हमने कहा, झारखंड बहुत ज़्यादा नया ही राज्य है, 28वां राज्य बना है। और एक खास बात झारखंड की यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या रहती है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा झारखंड में रहती है। तो उनका मानना यह था कि हमें बिहार से अलग होना है, और जिससे कि हम ज़्यादा विकास के पथ पर चलेंगे। तो आप सबको पता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड के बहुत सारे जो ट्राइबल मूवमेंट भी चले, जिसकी वजह से 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय गणराज्य के तहत एक राज्य बन गया। और अब यह एक बड़ी छलांग के लिए तैयार है, बड़ी छलांग के लिए तैयार है, यानी कि बहुत ज़्यादा विकासशील यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, और ये विकसित राज्य भी कहलाएगा कुछ डिकेड्स में। ठीक है, अब आगे कुछ बेसिक प्रोफाइल में ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। अधिकांश राज्य छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, जैसे कोयल है, दामोदर है, ठीक है, ब्रह्माणी है, खरकई, ये जो नदियां हैं याद रखना, ये इन सब नदियों के स्रोत जो कहाँ हैं, झारखंड में मिलते हैं। ठीक है, झारखंड में मिलते हैं। और इसका जो ऊपरी जल क्षेत्र है वो भारत में ही, मतलब झारखंड के भीतर ही क्या है, स्थित है। देखिए, वाटरशेड या जल क्षेत्र यानी कि क्या होता है, कहाँ पर से उसका ओरिजिन है, कौन कौन सी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम को, पूरे ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहते हैं, वाटरशेड कहते हैं, या कि एक तरह से आप ये कह सकते हो ड्रेनेज सिस्टम इज इक्वल टू वाटरशेड भी कह सकते हो। तो जो ये है, कोयल, दामोदर नदी, ब्रह्मानी, खरकाई, सुवर्णरेखा नदियाँ, इनके जो ऊपरी जल क्षेत्र हैं वो झारखंड में है। एक मार्क्स में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि सुवर्णरेखा, दामोदर, ब्रह्मानी, इसका जो ऊपरी जल क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है। आपको दो ऑप्शन दे देंगे बिहार, तीन चार ऑप्शन दे देंगे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये किस में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, झारखंड में है। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो पार्ट में हम ये कर रहे हैं। एक और चीज़, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने की मत सोचना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिवाइज नहीं हो पाते हैं, अंत में फ़ोन पे ही रह जाएंगी वो स्क्रीनशॉट। अभी जो जिन्होंने भी अभी स्टार्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा स्टार्ट कीजिए, और एक पूरी झारखंड के लिए अलग एक कॉपी बनाइए और हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे आएंगी जो इसमें लिखी नहीं होंगी पर मैं बोलूँगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हैंड रिटन नोट्स पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये रिक्वेस्ट भी है कि आप हाथ से ही अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि वो अंत में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके रिवीजन में, बहुत जल्दी आपसे रिवाइज हो पाएंगे, ये स्क्रीनशॉट या कहीं पर पीडीएफ आप नहीं पढ़ सकते अंत में। ठीक है, अभी पीएससी के लिए वीडियो पार्ट वन है, बहुत सारी 30-40 वीडियो आने वाली हैं, तो हैंड रिटन नोट्स, आई सजेस्ट यू टू मेक योर नोट्स हैंड रिटन। ओके, नाउ आगे देखते हैं। राज्य का अधिकांश भाग अभी भी वन से आच्छादित है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वनों से घिरा हुआ है, और जो कि यहाँ के टाइगर और एशियन एलिफेंट को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं उनके जीवन यापन में भी। आगे कुछ सॉइल कंटेंट की बात करते हैं। अगर झारखंड की मैं मिट्टी की बात करूं तो वो डिसइंटीग्रेशन से बनी हुई है। डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन से, किसके, चट्टानों पत्थरों के विघटन से, मतलब टूट के बनी हुई है, रॉक्स और स्टोन से टूट के बनी हुई है यहाँ की मिट्टियाँ। अब एक एक मार्क्स में झारखंड के बहुत ज़्यादा फेवरेट यहाँ पर टॉपिक आ जाते हैं कि लाल मिट्टी, जिसे आप रेड सॉइल भी कहते हैं, किस हिस्से में पाई जाती हैं झारखंड के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दामोदर घाटी है, राजमहल क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मिकासिया सॉइल कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ मिका, यानी कि एक ऐसी मिट्टी जिसमें कुछ जो पार्टिकल्स हैं पोटेशियम और एल्युमिनियम सिलिकेट के भी पाए जाते हैं, वो मिकासिया सॉइल बोलते हैं इसे, कौन से हिस्से में पाई जाती है। कोडरमा है, झुमरी तलैया है, बड़का गांव है, इन एरियाज में मिकासिया सॉइल भी पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक के कण यहाँ पर मिलते हैं इस मिट्टी में। ओके, इस मिट्टी में अभ्रक के कण मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रेतीली मिट्टी झारखंड में कहाँ कहाँ पाई जाती है। आमतौर पर हजारीबाग और धनबाद में
पाई जाती है रेतीली मिट्टी, ठीक है, सैंडी सॉइल जिसे कहते हैं। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जहाँ पर कि कॉटन यानी कि कपास की खेती बहुत अच्छी होती है ब्लैक सॉइल में, ये झारखंड के राजमहल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन 4 ऑप्शन में यही पूछ देंगे। हालांकि झारखंड का पीएससी पर ईयर तो नहीं होता, बहुत सारे 2-3 साल छोड़ के हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो चीज़ मिस ना करें जो और लोग सही करेंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें ये तो आनी ही चाहिए कि ब्लैक सॉयल कहाँ पाई जाती है झारखंड में, राजमहल क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी से आप क्या समझते हैं, ऐसी मिट्टी जिसमें कि लोहा यानी कि आयरन और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं, आयरन और एल्युमिनियम से पूर्ण रहती है ये मिट्टी, उसे लेटराइट सॉयल कहते हैं। और ये लेटराइट सॉयल कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी भाग, पलामू, संथल परगना, सिंहभूम, ठीक है, इन हिस्सों में झारखंड के पाई जाती है। ये पूरे आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। ओके, आगे क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। झारखंड में 3 तरह से परिभाषित मौसम है। कोल्ड वेदर सीजन नवंबर टू फरवरी, यानी कि जो ठंड भरा मौसम होता है वो नवंबर से फरवरी के बीच में होता है, बहुत ज़्यादा, इज द मोस्ट प्लीजेंट पार्ट ऑफ द ईयर। आगे कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि झारखंड में ऐसा कौन सा महीना है जहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये आपको याद रखना है, मई द हॉटेस्ट मंथ इज करेक्टराइज बाई डेली हाई टेम्परेचर इन द अपर 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो कौन सा झारखंड में ऐसा कौन सा महीना है, मई सबसे गर्म महीना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये फैक्चुअल पूछा जा सकता है कि झारखंड के महीनों में, 12 महीनों में सबसे गर्म महीना कौन सा है, मई का, जिसमें कि 37 डिग्री सेल्सियस और उससे भी ज़्यादा तक जो टेम्परेचर है वो तापमान है वो जा सकता है। ये कुछ हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये बेसिक डिटेल है। आई सजेस्ट, दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हैंड रिटन जो अभी भी पॉज करके नहीं कर रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स बनाएं इसके। अब कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी बेसिक डिटेल्स, पूरी अभी ये वीडियो पार्ट में ऐसे ही रहने वाले हैं, फैक्चुअल जो कि बेसिक रहेंगे, फिर उसके बाद आगे वीडियो पार्ट में कल्चर हैं, पॉलिटी हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करने को हैं जो कि झारखंड पीएससी में, झारखंड के जो सब पीएससी होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, लोअर पीएससी कह सकते हो आप। अब राज्य को दर्जा प्राप्त करने की तिथि है 15 नवंबर 2000, क्योंकि यहाँ पर बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ठीक है। कैपिटल है रांची, उपराजधानी है दुमका, ठीक है, सब कैपिटल क्या है, दुमका है, अक्षांश, ठीक है, जो लैटिट्यूड ऑफ द स्टेट है अक्षांश है और राज्य का देशांतर है। अब बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं कि ये लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर क्या है, वैसे बहुत सारे लोगों को पता है बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जो जीपीएस की लोकेशन होती है पूरे ग्लोब में, आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बेसिस पर ही बताई जाती है, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसी लाइन है, इसे लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है ये। और जो वर्टिकल लाइन होती है, ऐसी वाली लाइन है जो खड़ी लाइनें होती हैं, वो लॉन्जिट्यूड होती है। तो जहाँ पर भी ये मिलेंगी वहाँ पर झारखंड होगा या आपकी पोजीशन होगी अगर आपका है। तो आप कुछ अक्षांश देख लेते हैं, लेटिट्यूड देख लेते हैं, 21 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ से 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक क्या है, हमारे अक्षांश हैं। राज्य के देशांतर डायरेक्ट इसी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 83 डिग्री 20 मिनट ईस्ट या 83 डिग्री 20 मिनट ईस्ट से 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट तक इसके देशांतर हैं, लॉन्जिट्यूड्स हैं। आगे झारखंड का कितना एरिया फैला हुआ है, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर के बेसिस पे वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला गया है। एरिया के रैंक पे 16वां है। आबादी कितनी है, देखिए आबादी के लिए अभी तक बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो इंडियन फॉर्म में पढ़ के लाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल फॉर्म में भी देते हैं। अब झारखंड का जो पीएससी होता है उसमें दोनों फॉर्म, कभी मिलियन के बेसिस पर इंटरनेशनल फॉर्म भी आ जाता है, कभी करोड़ के बेसिस पर भी आता है। तो मैं दोनों को आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं या कैसे समझते हैं, फिर आगे आपको समझना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजिट आने वाले हैं आगे, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ यूट्यूब का, देखिए यूट्यूब में कभी ऐसा लिखा आता है, ये इंटरनेशनल फॉर्म है, ठीक है, 134 फिर कॉमा फिर 988 कॉमा फिर 32, आप सबको पता है ये मिलियन का होता है ये, ठीक है, ये तो इसे क्या पढ़ोगे, 32,32,988,000, ओके, 988,134 इसे ये पढ़ोगे। अब हिंदी में जो इंडियन फॉर्म होता है उसमें क्या पढ़ोगे, 3,29,88,134,
तो ये पॉपुलेशन जो होती है इंडियन फॉर्म में है। तो 3,29,88,134 ये इंडियन फॉर्म में है, और उसी को अगर इंटरनेशनल फॉर्म में, क्योंकि मिलियन के फॉर्म में भी देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें कि उससे वो आपसे पूछ देगा 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, 32 मिलियन है, कितनी है, तो उसमें कन्वर्ट करते नहीं दे सकते हो ना आप। तो इसलिए 32,988,134 इसकी क्या है, इंटरनेशनल फॉर्म है, और 3,29,88,134 जो है इंडियन फॉर्म है। रैंक इसके बेसिस पे 14वां रैंक है इसका। मेल इसमें कितने हैं, 1,69,30,315, या आप कह सकते हो इसको अगर इंटरनेशनल फॉर्म में 16,930,350। ओके, और फीमेल कितनी है, 1,60,57,819, और मिलियन के फॉर्म में 16 मिलियन, ठीक है, 57,819 इस बेसिस पर पढ़ोगे। ठीक है, अब मैं आगे ये डिजिट को पूरी तरह बोलूंगा नहीं, इसलिए मैंने यहां पर ज्यादा टाइम लगाया कि आप इंटरनेशनल फॉर्म और यहां पर पढ़ सकें। अब पॉपुलेशन ग्रोथ, अब देखिए पॉपुलेशन जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो 22.42% के बेसिस पर हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि ना एक एक साल बाद या एक महीने बाद ये पॉपुलेशन की वृद्धि हो रही होगी। पॉपुलेशन की वृद्धि कब पता चलेगी, जब सेंसस आएगा। तो सेंसस 2001 के बेसिस पे और 2011 के बेसिस पर जो आंकड़ा है उस बेसिस पे ये पाया गया कि जो झारखंड की जनसंख्या वृद्धि है वो 22.42% के उसमें हो रही है। आगे टोटल पॉपुलेशन इंडिया के 2.72% का जो जनसंख्या का हिस्सा है झारखंड में रहता है। घनत्व किलोमीटर स्क्वायर 414 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी, ये भी सेम घनत्व की यूनिट है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये याद करें, किलोमीटर स्क्वायर के बेसिस पे करें। अब होता क्या है इसको भी मैं समझा देता हूँ। झारखंड जो स्टेट है ये देखिए, मैप में आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको ये देखिए झारखंड स्टेट है। अब हमने कहा जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी है, 414। अब यहाँ पर कोई हिस्सा पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर ये जहाँ पर कर्सर है वहाँ से 1 किलोमीटर का हिस्सा, सपोज हजारीबाग में ही देख रहा हूँ मैं, 1 किलोमीटर एवरेज, हाँ पूरे झारखंड का एवरेज देख रहे हैं अभी, 1 किलोमीटर यहाँ पर खींच लीजिए, 1 किलोमीटर नीचे, 1 किलोमीटर, ये एक स्क्वायर बना दीजिए 1-1 किलोमीटर का जिसकी साइड, तो इस पूरे स्क्वायर किलोमीटर में 414 लोग रहते हैं एवरेज के, पूरी जनसंख्या के पूरे एवरेज में एक, तो कहीं पर भी ये खींच लीजिए स्क्वायर 414, ऐसे 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, पूरा ये डिब्बे के अंदर 1 किलोमीटर वाले, इसमें 414 लोग रहते हैं, इसका मतलब ये होता है डेंसिटी, जन घनत्व, तो इसका मतलब ये होता है। अभी ये भी देखेंगे क्योंकि पीएससी का ये मेन क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जन घनत्व है, वो अभी डिस्कस करेंगे, पहले ये आप जान लीजिए। अब लिंग अनुपात 0 से लेके 6 साल प्रति कितना है, 948 है, यानी कि 1,000 जो पुरुष हैं उसमें महिलाएं कितनी हैं, 948 हैं। ठीक है, जो कि सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 0 से लेके 6 साल तक का। लिटरेसी साक्षरता कितनी है, 66.41% पूरे झारखंड की। तो ये एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपको याद ही करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ओके, तो ये हमने देख लिया है साक्षरता। अब पुरुष की साक्षरता कितनी है, 86.84% है, महिलाएं की साक्षरता 55.42% है, यह याद रखना, पुरुष की ज़्यादा है महिलाओं की कम है, और कितनी कम है ये भी आप याद रखना, माइनस कर सकते हो। कुल साक्षर लोग कितने हैं, अगर इंटरनेशनल फॉर्म में बोलूँ तो 18,328,069। ठीक है, अगर वैसे बोलूँ इंडियन फॉर्म में बोलूँ तो 1,01,83,28,069। ओके, पुरुष साक्षर कितने हैं, 10 मिलियन, ऑलमोस्ट 11 मिलियन तक पुरुष साक्षर हैं। महिलाएं 7.5 मिलियन हैं, या आप कह सकते हो 74 लाख भी कह सकते हो, 45,550। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, नाउ चाइल्ड सेक्स रेशियो 948 है, यानी कि 1,000 मेल में 948 जो है फीमेल्स हैं। टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से लेकर 6 एज तक कितनी है, ये देखिए 5 मिलियन है। मेल पॉपुलेशन, पुरुष की आबादी 0 से 6 आयु तक 2 मिलियन है। ठीक है, दो ये करीबन करीबन 2.5 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, और वैसे आप बात करो तो कितना बोल दोगे इसे इंडियन फॉर्म में, 27,67,147। ठीक है, तो ये डिजिट अब मैं बोलूंगा नहीं, पूरी रिपीट नहीं करूंगा आपको, मैंने दोनों इंडियन फॉर्म में भी बता चुका हूँ, इंटरनेशनल फॉर्म में भी बता चुका हूँ। जनसंख्या का आकार, पॉपुलेशन साइज जो ग्रामीण है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है, इतनी है। ठीक है, याद रखना।
शहरी क्षेत्र में कितनी है? इतनी है, ठीक है, ये 1 मिलियन तक। ग्रामीण पुरुष कितने हैं? ये, ठीक है। जनसंख्या क्या, ग्रामीण महिलाएं कितनी हैं? इतनी। तो ये डायरेक्ट लिखना है और ये याद भी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये कुछ ही फैक्ट हैं, तो इसको याद करना लाजमी यहाँ पर रहता है, ठीक है। आगे लिटरेट्स कितने हैं, साक्षर कितने हैं? देखिए, सेंसस जो आंकड़ा होता है 2011 के बेसिस पे, ये बोला गया है भारत में 7 साल या उससे जो ज़्यादा आयु के लोग हैं, जिसको लिखना, रीड और पढ़ना, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग मतलब लिखना और पढ़ना आता है, किसी भी एक लैंग्वेज में उसे साक्षर बोला जाएगा। तो झारखंड में ऐसे कितने साक्षर हैं? 1,83,28,069, ठीक है। ये साक्षर कितने हैं? इतने, 1,83,28,069। उसमें से पुरुष कितने हैं? इतने हैं, ठीक है। महिलाएं कितनी हैं और रूरल कितने हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं, शहरी क्षेत्र में कितने साक्षर हैं, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिख रखा है। आगे टोटल पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है रूरल में और अर्बन में। अब यहाँ पर से आप सबसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड में ग्रामीण ज़्यादा जनसंख्या है या शहरी ज़्यादा जनसंख्या है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये देखिए जहाँ पर कर्सर जा रहा है, यहाँ पर 25 मिलियन 55,073 जो जनसंख्या है वो ग्रामीण की है, बाकी सिर्फ 7 मिलियन, सिर्फ 7। देखिए कितना ज़्यादा गैप है, आप सबको अर्बन और रूरल गैप यहाँ पर देखने को मिलता है, पॉपुलेशन गैप 25 मिलियन तक, 25 मिलियन तक ग्रामीण जनसंख्या है, वहीं सिर्फ 7 मिलियन जो है शहरी जनसंख्या है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गैप भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे अब जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहे हैं, जिले जिनमें सबसे अधिक शहरी आबादी है, तो वो कौन सा है? धनबाद। कौन सा है? धनबाद। करीबन करीबन 1.5 मिलियन की आबादी है यहाँ पर, ठीक है। झारखंड सबसे कम शहरी आबादी वाले क्षेत्र कौन सा है, जो लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है? सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा, ओके। आगे सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला गिरिडीह, ठीक है, कौन है? गिरिडीह है ग्रामीण वाला। कितने हैं इसमें? कम से कम 2 मिलियन तक है, ठीक है। जिले जिनकी सबसे कम ग्रामीण आबादी है, लोहार दग्गा, ठीक है, सिर्फ 4 लाख, सिर्फ 4 लाख, ठीक है, ओके। मतलब यस, ठीक है। इसको इंटरनेशनल फॉर्म में बोलोगे तो 404,000, 404,000 और 379, ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है। आगे जिले जिनकी साक्षरता दर सबसे कम है, रांची। जिले जिनकी सबसे साक्षरता दर सबसे कम है वो है पाकुड़, ठीक है, और यहाँ पर हाई लिटरेसी होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हिंदी मिस्टेक है, तो हाई लिटरेसी रेट रांची है, जो कि है 76.06%, और लोएस्ट लिटरेसी है वो है पाकुड़, ठीक है, 48.82%। तो अभी यहाँ पर पाकुड़ जो जिला है, यहाँ पर वैसे भारत का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो होना चाहिए, उसको और ज़्यादा अवेयर करवाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है, स्ट्रीट प्ले हम कर सकते हैं, जिसमें कि महिला साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, हाफ पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं से बनी हुई है। आगे डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाई डेंसिटी, ऐसी कौन सी जिला है जिसमें कि बहुत ज़्यादा घनत्व है, वो है धनबाद। कितने लोग रहते हैं? 1,284 लोग, ठीक है, 1,000। अभी मैं क्या करूँगा, आपको ऑफिशियल सेंसस के बेसिस पर भी ये चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, तीन चार लिस्ट बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट विथ हाई सेक्स रेशियो, पश्चिमी सिंहभूम 1,005, उच्च लिंग अनुपात वाले जिले, पश्चिमी सिंहभूम 1,005। कि ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, यानी कि मेल के रिस्पेक्ट में फीमेल सबसे ज़्यादा है पश्चिमी सिंहभूम में 1,005, ठीक है। अभी मैं ऑफिशियल सेंसस डाटा के बेसिस पर भी आपसे बात करूंगा, और कभी कभी आपको लगा कि एक दो डिजिट पीछे है तो आप किस पर रिलाई करेंगे, जो अभी मैं ऑफिशियल सेंसस डाटा बताने वाला हूँ वो, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा है 76.06, अगर मैं बताऊँ 76.07, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये तो पहले ये बताया, पहले ये वो, उस पर रिलाई मत करना। जो भी अभी मैं ऑफिशियल डाटा बताऊंगा उस पर ज़्यादा आप रिलाई कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा जो है ये सिमिलर ही होगा, ठीक है, ओके। आगे निम्न लिंगानुपात वाले जिले धनबाद,
ठीक है, लो सेक्स रेशियो कहाँ है, धनबाद में है। स्टेट एम्बलम राज्य प्रतीक है, अशोक चक्र इन बिटवीन 4J। अब कैसा चक्र है, देखिए यहाँ पर ऐसा J बना हुआ है, एक J ऐसा है, एक J ऐसा है और एक J ऐसा है, और यहाँ पर अशोक चक्र बना है, तो ये हमारे राज्य का प्रतीक है झारखंड का। ठीक है, ये इस टाइप से। आगे स्टेट बर्ड झारखंड की है एशियन कॉयल, जिसका साइंटिफिक नेम है यूडीनेमस सोलो, क्या, स्कोलोपेशियस। ठीक है, यूडीनेमस स्कोलोपेशियस, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा साइंटिफिक नेम नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि झारखंड की जो स्टेट बर्ड है उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, यूडीनामियस स्कोलोलेपस। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है झारखंड की, राज्य की राजभाषा है हिंदी, क्या है, हिंदी। स्टेट एनिमल झारखंड का एशियन एलिफेंट, जिसका साइंटिफिक नेम होगा एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, एलिहास मैक्सिमस, एलिहास मैक्सिमस। स्टेट फ्लावर ऑफ द झारखंड पालस, जिसका साइंटिफिक नेम है बूटिया मोनोस्पर्मा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा भी गया है, लोअर PCS में भी झारखंड में ये पूछते जाते हैं। अभी आप हमारी क्या करते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर अभी झारखंड के जो प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो पूरा कंप्लीट कोर्स, ये झारखंड का पूरा कंप्लीट कोर्स है, साथ ही साथ में आप स्टेट सर्विसेज जो PCS झारखंड के हैं वो प्रीवियस ईयर SSC वाले हैं और PSC वाले हैं, वो सब भी सीरीज चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ झारखंड, स्टेट गेम जो है, राज्य खेल क्या है, वो है गिल्ली डंडा। अब देखिए गिल्ली डंडा अभी के बेसिस पर, अभी की जो जनरेशन है वो क्या खेल रही है, जो बच्चे हैं वो गिल्ली डंडा को उतना ज़्यादा आकर्षक नहीं समझते हैं, वो पबजी है, ऑनलाइन गेम खेलते हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि जो झारखंड है वो गिल्ली डंडा को प्रमोट कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना गेम है। ठीक है, उसकी जो हम कह सकते हैं एक निशानी होती है, आइडेंटिटी होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, जिसमें कि झारखंड पूरी अच्छी तरह उभर के आ रहा है। आगे झारखंड का जो राज्य ट्री है, राज्य वृक्ष है, साल है, इसका जो साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा है, क्या है, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, बहुत ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब, 32 शेड्यूल ट्राइब हैं झारखंड में, अनुसूचित जनजाति 32 हैं, जैसा मैंने कहा बहुत ज़्यादा आदिवासी हैं और शेड्यूल ट्राइब से भी हैं, वही वो 32 हैं, बहुत ज़्यादा है, झारखंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे जो लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, वो यूनिकैमरल है, जो हिंदी में है उनके लिए मैं बता दूँ, एक सदनात्मक विधान है। ठीक है, एक सदनात्मक है विधान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, पहले 7 राज्य हुआ करते थे जिसमें बाइकैमरल हुआ करते थे, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हुआ करते थे, बट अभी का जो हमारे राज्य हैं वो अब 6 बज चुके हैं, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर होता था। अभी आप सबको पता है रिसेंट जो जो ये देख रहा है वीडियो, उसमें जो जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बना, तो अब वो वहाँ बाइकैमरल नहीं रहा, अब टोटल 6 राज्य हैं जहाँ बाइकैमरल हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, यहाँ बाइकैमरल है, यानी कि यहाँ दो चीज़ें, जैसे अपर यूनियन गवर्नमेंट में होती है ना लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही 7 ऐसे 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर यूनिकैमरल है, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी, झारखंड यूनिकैमरल है। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, 82, 82 कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है झारखंड में है। अब 82 यानी कि 82 MLA होंगे आपके झारखंड में। आप अपना जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप कमेंट लिख सकते हैं और आपके एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA कौन है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 82 MLA हमारी कितनी है। अब ये MLA क्या करते हैं आप सबको पता है, MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपके झारखंड में जितने भी कानून बनते हैं ये 82 MLA ही बनाते हैं उसको। ठीक है, तो आप इस तरह से भी समझिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप जो पॉलिटी है वो कवर कर चुके होंगे, जो हिस्ट्री है वो कवर कर चुके होंगे, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाकर हम सिर्फ
इस डाटा में फोकस करेंगे। बाकी आगे हमें जो मेंस के जब चलेगी, अभी ये फैक्चुअल सीरीज चल रही है, पूरा फैक्चुअल डाटा कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो मेंस में झारखंड मेंस में पूछा जाएगा वो भी हम कवर करेंगे। कंप्लीट है झारखंड पीएससी का, आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए ये मुफ्त में कर रहा है, तो मुफ्त में ज्ञान उठाइए। और यही चीज़ जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, आगे टाइम ना ज़्यादा व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब, कितनी जो सीट हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि 82 जो एमएलए हैं और उसमें से शेड्यूल ट्राइब की 28 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब की, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है रिजर्व सीट है शेड्यूल ट्राइब के लिए। 28, 82 में से 28 ऐसी सीटें हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है रजिस्टर हैं। तो हम इससे लगा सकते हैं कि उसकी जनसंख्या में कितने ज्यादा शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें हैं। आगे शेड्यूल कास्ट के लिए सिर्फ 9 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 28 सीटें हैं। बाकी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी झारखंड से 14 हैं, यानी कि हर, देखिए पॉपुलेशन के बेसिस पे हर एक राज्य से जाती हैं कुछ लोकसभा की सीटें हैं। जैसे उत्तराखंड से 5 सीटें हैं लोकसभा की, वैसे ही झारखंड से कितनी है, 14। राज्यसभा की सीटें यहाँ से कितनी हैं, झारखंड से 6 हैं, 6 सीटें हैं। ठीक है, बाकी आपसे एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि लोकसभा की सबसे बड़ी सीट झारखंड में, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा कौन सी है, सिंहभूम, सिंहभूम। ठीक है, आगे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की, छतारा है या छत्र आप कह सकते हैं, या चतरा, चतरा इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब टोटल डिवीज़न कितने हैं, 5, और जो 24 जिले हैं झारखंड में इन्हीं 5 डिवीज़न में सब डिवाइडेड हैं। ये आगे हम पढ़ते हैं, आगे आएगा कि कौन कौन से 5 डिवीज़न हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन से 5 डिवीज़न हैं, और एक जिला आपको दे दिया जाएगा और बताना आपको पड़ेगा कि कौन सा जिला कौन से डिवीज़न में आता है। ठीक है, आगे जिले कितने हैं, 24 हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट 18 थे। जब जब झारखंड बन रहा था तब 15 नवंबर 2000 को उसमें जिलों की संख्या थी 18। अब बहुत सारे लोग को डाउट भी होता है कि पहले तो 18 थे, बाद में उसको बढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए कभी भी किसी जिले को बनाया जाता है, आप, मैं आशा करता हूँ जो जो ये वीडियो देख रहा है वो SDM या DM बनना चाहते हैं, उनकी ड्रीम जो है वो पूरा हो और हार्ड वर्क करेंगे तो आप DM या SDM अपने क्षेत्र में बनेंगे। तो इसी के बेसिस पर जो 24, अगर 18 से 24 जिले हैं तो 24 DM बैठेंगे। ठीक है, हर उसमें क्या है, DM है, SDM है, ठीक है, ये सब बैठते हैं। तो देखिए जितने ज़्यादा जिले होंगे उतना ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक काम होगा और उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा और उतनी अच्छी तरीके से होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से हर एक जो राज्य को अपने जिले बढ़ाने पड़ते हैं। तो पहले 18 जिले थे, प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के बेसिस पर इसको बढ़ाया गया ताकि काम और अच्छे से हो। तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि नए बनाए गए ओरिजिनल से जो पहले थे, बढ़ाया कि इनको ने, सरायकेला खरसवां पहला, खुंती, रामगढ़, लातेहार, जमातरा और सिमदेगा। ये 6 ऐसे जिले हैं जो कि राज्य के बनने के बाद बने, 15 नवंबर 2000 के बाद बने। ठीक है, ओरिजिनली 18 थे, और क्यों बढ़ाए गए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए बढ़ाए गए। आगे सब डिवीज़न हैं 38, सब डिवीज़न हैं 38, ब्लॉक हैं 260, जो गांव हैं 32,615 हैं, पंचायत कितनी हैं 4,423 हैं। नेशनल हाईवे, हर एक राज्य से नेशनल हाईवे जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, जो झारखंड में है 2,654 किलोमीटर की लंबाई में ये राजमार्ग गया हुआ है, फैला हुआ है, इतना नेशनल हाईवे झारखंड से गुजर के हुए जाता है। स्टेट हाईवे, राज्य का जो हाईवे है 1,231.9 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अब डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं, कभी कभी क्या पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे ज़्यादा है या स्टेट हाईवे ज़्यादा है, तो नो डाउट नेशनल हाईवे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्टेट का हाईवे ज़्यादा होगा, पर नहीं, झारखंड में जो नेशनल हाईवे है वो ज़्यादा है, 2,654 किलोमीटर। ठीक है, आगे विश्वविद्यालय 7 हैं, नगर निगम 3 हैं, रांची, धनबाद और देवघर, नगर परिषद कितने हैं, 14, नगर पंचायतें कितनी हैं, 19 हैं, छावनी बोर्ड रामगढ़, ज़्यादातर कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ पर क्या होते हैं जो आर्मी पर्सोनिल हैं वो स्टेशन रहते हैं, ठीक
ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, इन सब की आपको डेफिनेशन बेसिक पॉलिटी बुक में लिखी गई है, क्लास 7th 8th 9th की पॉलिटी बुक में लिखी गई है। अगर किसी को फिर भी डाउट होता है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट में पॉलिटी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उसमें से देख सकते हैं। पुलिस स्टेशन है 326, प्रमुख शहर है जमशेदपुर, प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, मैग्नीज ओर है, ठीक है। कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, चावल, रागी, मक्का, गेहूं, रेड ग्राम, लाल चने जिसे कहते हैं, ठीक है, ये लाल चने आप जिसे लाल चना जिसे कहते हो वही है ये, ठीक है। नाइजर, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर स्टेट में बहुत ज़्यादा होती हैं और ये एक्सपोर्ट की जाती हैं, ठीक है, निर्यात की जाती हैं, लीची और एप्पल यानी कि सेब, लीची और जो सेब हैं ये निर्यात किए जाते हैं झारखंड राज्य से। इसका कहने का मतलब, निर्यात वही चीज़ होती है जो ज़्यादा अमाउंट में बनी रहती है, उसे तभी निर्यात करते हैं ना। ओके, आगे। अब जैसा हमने कहा था, झारखंड 5 जो डिवीज़न में बंटा हुआ है। सबसे पहला है पलामू प्रमंडल, दूसरा है छोटा नागपुर प्रमंडल, अभी मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, ठीक है, संथल परगना डिवीज़न, ये पूरा आपका फैला हुआ है 5 डिवीज़न में। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, आपसे पूछ देगा कि जो रांची है, फेमस कैपिटल है, झारखंड की कैपिटल है, राजधानी है रांची, वो कौन से डिवीज़न में आती है, पलामू में आती है, नॉर्थ छोटा नागपुर में आती है, कोल्हान में आती है, किस में आती है, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में कौन सी आती है, रांची आती है। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, पलामू डिवीज़न में पलामू, गढ़वा, लातेहार, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न में छतारा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिड, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। अब एक और चीज़ याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे 1 2 3 इसमें 3 जिले हैं और सिक्वेंस में भी पूछ देते हैं, इसमें क्या है, छतारा 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें 6 हैं, तो टोटल यहाँ पर देखिए 7 3 10, 6 5 11 और ये 24 हो गए टोटल। तो डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से पलामू डिवीज़न या इन डिवीज़न में कितने जिले आते हैं, 3 जिले हैं, 7 जिले किस में हैं, 5 जिले किस में हैं, 3 6 कितने जिले किस में हैं, ठीक है, ये भी डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है। और हर एक जिले किस किस में आता है, ज्योग्राफी बार बार झारखंड का मैप देखिए, बार बार देखिए कि हाँ झारखंड का मैप पकड़िए, यस ये एक डिवीज़न में आते हैं, पलामू डिवीज़न में ये आते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड ये आपको देखने को बनने वाली है, पॉज कीजिए और ये पूरा हैंड रिटन बनाइए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अब कुछ मेजर डैम्स देख लेते हैं, नदियाँ कौन सी, किस नदी में कौन सा डैम बना है और नियरेस्ट सिटी कौन सी है। अब 38 डैम है, 38 डैम है ना, अब सब लोगों के माइंड में ये आएगा, देखिए एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि चलो मैं इस बच्चे की टेस्ट स्किल चेक करता हूँ और रैंडम दे देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ बुरही वाला, नहीं ऐसा नहीं आएगा। देखिए क्या कीजिए, न्यूज़पेपर उठाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ, न्यूज़पेपर उठाइए और कोई सी नदी जो है, जैसे प्रदूषित नदी हो जाती है, हाल ही में कोई पॉल्यूटेड नदी बन चुकी है, तो यस उस नदी में कौन सा वो है, कौन सा डैम बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा, कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर प्लांट बनाया जा रहा है, तो कौन सी ऐसी सिटी है, कौन सी ऐसी नदी है जिसमें नया काम चल रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें 38 के 38 याद नहीं करने, बट न्यूज़पेपर की हेल्प से आपको देखना है कि कौन सी चीज़ जो है करंट में है और उस बेसिस पर आप कौन सा डैम को याद करेंगे। तो मैं कुछ डैम के बारे में बता देता हूँ, बाकी आप सबको सब ही लिखने हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो यस आपके न्यूज़पेपर में सपोज डॉल्टनगंज की बात आती है तो आपको याद होना चाहिए नदी कौन सी है, बत्रे नदी है और उस नदी में बत्रे डैम बना हुआ है। रांची के बारे में कुछ चलता है, कोई पावर प्लांट बनता है, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुल जाती है, तो बच्चू नाला और बचुआपार डैम उसमें बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही गरवा, उसमें कौन सी नदी है, अर्रज नदी है, कौन सी रिवर, अर्रज, और इसमें अनराज डैम बना हुआ है, ठीक है। बुरही डैम है,
पथरो नदी है और ये उसके नियरेस्ट सिटी कौन सी है, दौगढ़। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं, ये है डैम। उसके बाद हैं ये कौन सी नदी में बने हुए हैं, उसके बाद ये है कौन सी नियरेस्ट सिटी है, उसके आसपास की सिटी। तो मैंने बता दिया है 38, 38 कोई भी याद नहीं कर पाता, कोई भी बच्चा, बट मैंने आपको पूरी डिटेल दे रखी है 38 के 38 डैमों की, तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, आगे दुलकई डैम है, लीलाजन नदी है, छतारा नियरेस्ट सिटी है, गरही डैम है, गरही, दामोदर नदी और छतारा में है। ठीक है, वैसे ही हीरू डैम है, वो हीरू नदी के किनारे है और छतरा में है। कांस डैम है, कांस नदी में है, गुमला उसके आसपास का नियरेस्ट सिटी है। तिलैया डैम है, बरकर नदी में है और हजारीबाग उसके आसपास की सिटी है। ठीक है, मैथन डैम है, बराकार है और आसानसोल नियरेस्ट सिटी है। ठीक है, धनबाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचसेट हिल डैम है। अब देखिए एक और चीज़ याद रखना है, पाकुड़, जहाँ पर भी पाकुड़ आता है वो तो आपको याद ही रखना है। साक्षरता बहुत कम है, बहुत पिछड़ा हुआ जिला मान सकते हैं, साक्षरता कम है और बहुत सारे लोग BPL के नीचे हैं इस जिले में। तो यहाँ पर कौन सा डैम है, तोराई डैम है, और यहाँ पर कौन सी नदी है, तोराई नदी है, और पाकुड़ जो है जिला, इस जिले को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की यहाँ पर झारखंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे गेतलसट डैम सुवर्ण रेखा नदी में है और रांची नियरेस्ट सिटी है। ये कुछ मेजर डैम्स हैं, रिवर्स कौन कौन सी नदी में ये डैम्स बने हुए हैं और कौन सी नियरेस्ट सिटी है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आगे कुछ प्रमुख नदियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी ओरिजिन क्या है, उसके पास की सिटी कौन कौन सी है और टोटल लेंथ कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोन नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में, सोन नदी। सोन नदी की लंबाई इन सबसे सबसे ज़्यादा है, 784 किलोमीटर की लेंथ है सोन नदी। ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से, यानी कि जहाँ पर से निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक से, और उसके बाद ये मिल जाती है गंगा नदी में। एक तरह से हम कह सकते हैं गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो मिलने के बाद तो नहीं रहेगी ना सोन। आप कहेंगे गंगा तो इतनी बड़ी नदी है सर, 784 किलोमीटर ही, क्यों, क्योंकि सोन नदी है वो फिर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। ठीक है, ओरिजिनेट यहाँ है। और कौन कौन से सिटी से ये पास होके जाती है, सीधी, देही, पटना। ठीक है, उसके बाद अजय नदी के बारे में बात करेंगे, ओरिजिनेट होती है मुंगर से और मिलती कहाँ है, भागीरथी, और 288 किलोमीटर इसकी लेंथ है, चुरलिया है, चितरंजा है, लिम्बार है, जयदेव है, किंडुली है। ठीक है, इन सिटी से गुजरती है। बैतरानी नदी ओरिजिनेट कहाँ से होता है, गोना सिका से, फाइनली बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, 360 किलोमीटर की यहाँ पर लेंथ है। दामोदर नदी छोटा नागपुर, हुगली नदी से मिल जाती है, 592 किलोमीटर की है, चंदिल है, जमशेदपुर है, घाटशिला है, गोपिल बल्लभपुर है, यहाँ पर पास होती है। साउथ कोयल नदी छोटा नागपुर से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मणी रिवर में मिल जाती है, मनोहरपुर यहाँ पर है। सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, 395 किलोमीटर की है, चंडिल, जमशेदपुर, घाटशिला और गोपिल पर्वत से होती है पास। तो ये कुछ झारखंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे माउंटेन्स की मैं बारे में बात करूं। अब इतने ज़्यादा माउंटेन हैं, आपको कौन सा माउंटेन याद रखना है, कौन सी जगह है, क्यों ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको तिरुकू हिल याद करनी है, तिरुकू माउंटेन, ये दुमका जगह में है, और ये इसलिए याद करना है क्योंकि यहाँ पर झारखंड का पहला सोलर एनर्जी हब तपोवन खुला था, या इसलिए फेमस आप कह सकते हैं तपोवन, क्योंकि सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने में अभी झारखंड लगा हुआ है, और तिरुकू हिल में फर्स्ट सोलर एनर्जी हब है और तपोवन में। ठीक है, बेस्ट नॉन की जगह से ये जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद टैगोर हिल है, ये आप सबको पता है, मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम से बना है और मुरादाबाद रांची से जगह है। उसके बाद कैनरी हिल हजारीबाग में है, तीन छोटे छोटे लेक यहाँ पर आप सबको मिल जाएंगे। ठीक है, फुल डोंगरी है, घटशिला में है, बुरुद लेक यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद शिव जी का टेम्पल है कहाँ, रांची हिल में, पारसनाथ हिल में है छोटा नागपुर, और शिखर जी जैन टेम्पल यहाँ पर है। ठीक है, जैन टेम्पल ये है शिव टेम्पल, तो इस बेसिस पे भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ माउंटेन है ये हमने कर लिए, बेसिक चीज़ें। ठीक है, ओके, नाउ
अब कुछ नेशनल पार्क हैं किस बेसिस पर क्वेश्चन फेम होते हैं, सबसे पहले हम वो करते हैं। अब नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर जगह भी दी गई हैं। अब सबसे पहले बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले यूपीएससी वाले तो यही सोच लें कि ये झारखंड वाले जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको याद करें कि बेतला नेशनल पार्क, दलमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू और उधवा जो लेक है ये कहाँ आता है, ये सभी झारखंड में आते हैं। अब जो सिर्फ झारखंड पीएससी के लिए बात कर रहे हैं उनका जगह पूछ देते हैं कि हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, रांची में, कोडरमा कोडरमा ही में, पलामू डॉल्टनगंज में है, उधवा लेक उधवा में है, बेतला नेशनल पार्क छोटा नागपुर में है। तो ये सब प्लेसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी यूपीएससी के लिए सिर्फ ये याद रखने हैं कि ये कहाँ पर है, ये झारखंड में डायरेक्ट पूछा जाता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्टेट की होती है उसमें प्लेसेस भी पूछ देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके, अब कुछ ज़्यादा फेमस टेम्पल की बात करते हैं, कौन कौन से फेमस टेम्पल हैं झारखंड में, ठीक है, कौन कौन से फेमस टेम्पल है झारखंड में वो बात कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं कि कौन सा जो टेम्पल है, कौन सा जो मंदिर है, किस जगह पर स्थित है, ठीक है। आगे हम मैं आपको बता देता हूँ जो ये टेम्पल याद करने के लिए है, रांची, जो जहाँ जहाँ रांची आ रहा है सबसे पहले रांची वाला पढ़ना आप, ये जहाँ जहाँ ये रांची वाला है, ठीक है। दियांबा जैन टेम्पल, जगन्नाथपुर, पहाड़ी टेम्पल और सन टेम्पल, ये आपको दे देंगे और बोलेंगे कहाँ है, इनको साथ लिखना, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स, आई होप, आशा कर रहा हूँ कि मैं आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले डायरेक्ट लाइन वाइज मत लिखना, रांची 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 लिखना, और ये सब चार टेम्पल लिखना और ये सिर्फ रांची वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देवगढ़, ये देखिए, तो ऐसे ही डायरेक्ट ही याद कर लेंगे, चार देवगढ़ वाले भी हैं, तो इतना ज़्यादा आपको याद ही नहीं करना है। बैद्यनाथ है, बसुकीनाथ है, तपोवन है, ठीक है, और नालुखा मंदिर है। तो किस तरह से लिखना, ये चार लिखना सिर्फ, स्टार्टिंग में हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो ये चार लिखना और उसके आगे देवगढ़ लिख देना, फिर ये चार लिखना रांची लिख देना, ठीक है। फिर बाकी जो छोटे छोटे हैं आपको सिर्फ दो ही तो याद करने हैं, तीन जगह याद करनी थी बस, खूंटी में कौन सा है अंग्राबादी, और गिरिडीह में है कौन सा मधुबन, ठीक है, गिरिडीह में कौन सा मधुबन। ओके, आगे ट्राइब्स ऑफ झारखंड, कुछ झारखंड की ट्राइब के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, कौन कौन सा क्या है, ठीक है। कोरवा, किशन, कारमाली, हो, गोरेत, कोरा, खोंड, लोहरा, महली, मल पहाड़िया, ठीक है, पहाड़िया, बूमजी, खरवार, ठीक है, ये सब ट्राइब्स हैं कहाँ की, झारखंड की, ठीक है, ये याद रख लेना। ओके, आगे कौन कौन सी फोक डांसेस हैं और कैसे उनको परफॉर्म किया जाता है ये सब हम देखेंगे, और किस जगह में कौन सी चीजें की जाती हैं, किस फोक डांस में क्या क्या नृत्य किया जाता है वो भी हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले फोक डांस है भेजा डांस, कौन सा डांस है, भेजा डांस। भेजा डांस में होता क्या है ये आपको बता दूं, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस दे फॉर्म ए चेन बाई क्लम्पिंग हैंड्स ऑफ वन अनादर, मेलोडियस ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक आर द मेजर अकॉम्पेनमेंट ऑफ दिस डांसर इन ऑल्टरनेट सक्सेशन। फोक डांसेस क्या होते हैं, जो रीजनल डांसेस होते हैं, राज्य के रीजनल डांसेस होते हैं उस जगह पर किए जाते हैं उसे फोक डांसेस कहते हैं। तो भेजा डांस में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि भेजा डांस में क्या किया जाता है, तो लोग क्या करते हैं, एक घेरा बनाते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और यहाँ पर ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और म्यूजिक गाया जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। कौन सा ट्रेडिशनल सॉन्ग, ठीक है, पारंपरिक गीतों और संगीत के हाथ जो जाकर एक श्रृंखला बनाते हैं, वैकल्पिक उत्तराधिकारियों इस नर्तकी के प्रमुख संगत हैं। तो पहला डांस भेजा डांस, दूसरा है चाऊ डांस, द चाऊ डांस इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन स्पेस, याद रखना ये खुले में भी किया जाता है या ग्राउंड फील्ड में, किसी खुले ग्राउंड फील्ड में किया जाता है, और ज़्यादातर ये रात्रि के समय किया जाता है, एट द नाइट टाइम, द डांसिंग एरिया इज सराउंडेड बाय द फायर पोल्स। और देखिए जो भी सपोज यहाँ पर ये डांस कर रहे हैं या ये लोग चाऊ डांस कर रहे हैं झारखंड में, ये तो यहाँ पर एक ऐसे ये चारों तरफ पोल्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर घेरा करके रात में यहाँ पर मशाल जलाई दी जाती है ये पोल के पास, ठीक है, ये पोल के पास मशाल जलाई जाती है फॉर द सेक ऑफ लाइटनिंग इन द डार्क, कि अंधेरे में ये मशाल जलाना है और
एक में एक तरह से आप इसका भी प्रतीक मानते हैं कि बुराई में अच्छाई की जीत, ठीक है। बट इन सम ऑफ द एडवांस पार्ट ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिकल लैंप्स, अब बहुत सारे ऐसे जगह हैं वो लोग बहुत ज़्यादा साक्षर हो गए हैं, तो ये लोग ये भी जानते हैं कि जो मशाल जलाएंगे तो इससे प्रदूषण होगा। तो बहुत ज़्यादा जो एडवांस पार्ट हैं, हिस्से हैं झारखंड के, वो अब इलेक्ट्रिकल लैंप्स भी जलाते हैं। एंड लाइट हैव स्टार्टेड रिप्लेसिंग द फायर पोल्स, और जो ये लाइट हैं वो जो कि पुरानी परंपरा थी से पुराना की पुरा पुरानी जो परंपरा थी प्रदूषण तो करती थी, तो इस बेसिस पे बहुत सारे एडवांस हिस्से जो हैं वो मशाल को हटा के अब फायर पोल्स को हटा के इलेक्ट्रिकल लैंप लगाने लगे हैं, ठीक है। एक याद रखना, चऊ डांस डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पर होता है, ओपन स्पेस में ज़्यादातर है, रात्रि में होता है ये, ठीक है। तो इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मैंने बताया उसको डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो, ओपन स्पेस लिख सकते हो। देखो मैं आपको माइंड मैप बनाना सिखाता हूँ, चहु डंस ओपन स्पेस, नाइट टाइम इस तरह से लिख सकते हो, और मसाल लिख सकते हो बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद झूमर डांस, झूमर इज परफॉर्म्ड एनी टाइम, किसी भी वक्त किया जा सकता है। जैसे चहु डांस था ना, ये सिर्फ रात्रि को किया जाता था, झूमर डांस जो है एनी टाइम किसी भी समय किया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द वेडिंग, मेलाज और सम अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड सेलिब्रेशन। कभी क्या हो, इम्पोर्टेंट शादियाँ हैं, मेले हैं या कुछ त्यौहार हैं, उसके दौरान किया जाता है झूमर डांस। दिस डांस इज जनरली परफॉर्म्ड इन ए सर्कल, एक सर्कल बना के किया जाता है। द डांसर वियर वेरी कलरफुल कॉस्ट्यूम, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे आभूषण भी पहना करते हैं झूमर डांस में, और कभी भी किया जाता है ज़्यादातर है वेडिंग मेलाज, ये याद रखना, ठीक है। मेले लगे हों तो तब झूमर डांस भी किया जाता है और देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट है, एक एक मार्क्स में तो यही पूछते हैं ना कि यस झूमर डांस क्या रात्रि के समय किया जाता है, सिर्फ रात्रि के समय, ठीक है। नहीं, ऐसा आएगा, झूमर डांस कैन ओनली डू इन नाइट टाइम, नहीं ये सिर्फ ओनली जब भी आएगा उसको कैंसिल कर दोगे आप, ये एनी टाइम किसी भी वक्त किया जा सकता है। उसके बाद है पाइका डांस, पाइका डांस इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा। देखिए पाइका डांस उड़ीसा में भी किया जाता है और कुछ जो हिस्से हैं वो झारखंड के भी किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इसमें आप डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। पाइका डांस जो है उड़ीसा में है, और पाइका डांस जनरली किस में है, झारखंड के कुछ हिस्सों में भी किया जाता है, तो आप फोक डांस के बेसिस पे इसे बोल सकते हो कि पाइका डांस कहाँ किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है, ठीक है। एक डांस फॉर्म है उड़ीसा की, और ज़्यादातर ये याद रखना, जो आर्मी पर्सोनल हुआ करते थे राजा को, उसमें आर्मी प्रोवाइड करते थे उन, ये जनरली वो डांस करते थे जीतने के बाद, अगर वो जीत चुके हैं युद्ध में तो ये डांस भी किया जाता था उसमें, ठीक है। तो झारखंड में भी पाइका डांस हुआ करता है, ठीक है। उसके बाद है कुछ संथल डांस, कौन सा डांस है, संथल डांस। दिस डांस वॉज परफॉर्म्ड बाई संथल ट्राइब्स ड्यूरिंग ऑल स्पेशल फेस्टिवल्स एंड ओकेजन, संथल ट्राइब करती है सभी त्योहारों के समय, सभी ओकेजन के समय। दिस डांस नॉट ओनली रिवील्स द कल्चर और ट्रेडिशन ऑफ लोकल ट्राइब बट ऑल्सो शोकेस द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। जो संथल डांस है ये एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, और एक तरह से एकता को दिखाने के लिए ये भी डांस किया जाता है संथल ट्राइब द्वारा। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द संथल डांस इन द झारखंड इज द कलरफुल कॉस्ट्यूम वॉर्न बाय द ट्राइबल पीपल, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम पहना करते हैं संथल डांस के दौरान, ठीक है। फिर उसके बाद है फगुआ डांस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस द डांसर्स थ्रोन कलर्ड वाटर, जैसे होली मनाई जाती है ना, होली में क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हैं, तो फगुआ डांस में क्या होता है, जो डांसर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर कलर्ड वाटर, रंग वाला पानी फेंका करते हैं, पाउडर फेंका करते हैं। विमेन ऑल्सो ज्वाइन द फगवा डांस इन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ झारखंड, कुछ जो महिलाएं होती हैं वो भी ज्वाइन करती हैं फगवा डांस को, ओके। उसके बाद हम लास्ट करते हैं सरहुल डांस, इस वीडियो पार्ट को यहीं पर एंड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट में बहुत सारी जो बची हुई डिस्कशन है वो हम खत्म करेंगे। इट इज़ वर्शिपिंग ऑफ द विलेज डाइटी। सरहुल डांस में क्या रहता है, जो ग्राम का देवता होता है, उस गांव का देवता होता है, उसकी पूजा की जाती है। देयर इज ए डांसिंग एंड सिंगिंग इन द होल रीजन, डांस भी करते हैं गाना भी गाते हैं, विथ ड्रिंक स्नैक एंड वैरायटी ऑफ फूड्स, जिसमें कि वो सेवन भी किया करते हैं ड्रिंक्स का, ठीक है, वो पीते भी हैं कुछ, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि आपके मन में आ रहा होगा कि अल्कोहलिक, नहीं,
वो जड़ी बूटी से बना, पत्तों से बना भी ड्रिंक हो सकता है। तो सरहुल डांस विलेज की डाइटी के लिए, जहाँ पर ड्रिंक स्नैक खाया करते हैं, इसमें डांसिंग और सिंगिंग होती है। ठीक है, उसके बाद फगवा डांस, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक दूसरे के ऊपर रंग बिरंगा पानी, रंग वाला पानी पाउडर फेंका करते हैं। ठीक है, और महिलाएं इसको ज्वाइन करती है। संथल ट्राइब एकता का प्रतीक है, एकता के लिए ये डांस किया जाता है, संथल ट्राइब करती है। पाइका डांस, आर्मो पर्सनल जो होते हैं, ठीक है, पाइकास जो आर्मी थी उसमें वो करती थी जीतने के बाद भी। झूमर डांस वेडिंग शादियों में मेले में किया जाता है, किसी भी वक्त किया जा सकता है, सर्कल में ये करते हैं और बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे जो कपड़े हैं पहना करते हैं इसमें। भेजा डांस में क्या है, एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक चेन बनाया करते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाया करते हैं। चहू डांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपन स्पेस में ग्राउंड में किया जाता है, रात्रि के समय किया जाता है, मसाल्स जलाई जाती हैं, बट बहुत ज़्यादा जहाँ पर साक्षरता बढ़ चुकी है वहाँ पर अवेयर करवा रहे हैं कि मसाल से प्रदूषण होता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक लैंप भी जलाए जाते हैं। तो ये फोक डांसेस हैं। ये कंप्लीट वीडियो पार्ट वन में हमने इतना ज़्यादा डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा आप मार्क्स इससे गेन कर सकते हैं। अब देखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सबको कुछ पेमेंट नहीं करनी है। तो जितने ज़्यादा हैं, झारखंड के एस्पिरेंट हैं, अपने कजन्स हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, ठीक है, उन सबको ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक पीएससी में। और क्वालिटी ऐसा नहीं कि क्वालिटी हम से कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप सबको जितने भी पीएससी में जिस बेसिस पर भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उस बेसिस पर करेंगे, और बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट भी आपको दे रहे हैं। तो आपका काम क्या है, सिर्फ आपके जो एस्पिरेंट हैं, झारखंड के एस्पिरेंट, उनको हेल्प आपको करनी है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर। ओके ओके, इस वीडियो पार्ट में हम इतना ही करेंगे, आगे आने वाले जो वीडियो पार्ट हैं उसमें कुछ फेस्टिवल्स देखेंगे कि झारखंड में है, एक दिन का होता है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है विंटर में कौन सा फेस्टिवल होता है, ठीक है, ये हम करेंगे। ठीक है, फेस्टिवल्स है, उसके बाद स्टेडियम देखेंगे, झारखंड में कौन कौन से स्टेडियम हैं, कौन कौन से सिटी हैं, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। अब जो ये वाली स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन। अब जैसे मैंने कहा था कि झारखंड में नॉन ट्राइबल बहुत ज़्यादा है, नॉन ट्राइबल्स लोग ना, तो कौन सा जो ट्राइबल हैं वो पहले मुख्यमंत्री बने, और कौन से जो नॉन ट्राइबल हैं वो कौन से मुख्यमंत्री हैं, और क्या उन्होंने अपना पूरा जो कंप्लीट जो 5 साल पूरे किए वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, झारखंड के पहले मुख्य सचिव कौन है, झारखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चीफ जस्टिस कौन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये देखिए, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वीमेन, फर्स्ट कॉलेज कौन सा है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी गली, फर्स्ट फीमेल इंटरनेशनल अंपायर कौन बनी झारखंड से, ये सब पूछा जाएगा। ब्रिटिश एंट्री हुई झारखंड में कब, फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर कौन सा था, हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो झारखंड के एस्पिरेंट हैं, जो दूसरे राज्य के एस्पिरेंट हैं, उनको शेयर कीजिए बार बार। धन्यवाद।